तो आज हम लोग को स्कॉटलैंड के लिए निकल रहे थे अपर पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मॉर्निंग में ही हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा और 5 o'clock हम लोग उठ गए थे। अराउंड 6 o'clock रेडी होकर हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, जो कि हम लोग को नॉर्मली हैबिट उतनी रहती नहीं है कि आराम से हम लोग 8 o'clock वाले हैं कि ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। बट आज ड्राइव काफ़ी लंबी थी तो इस वजह से हमने पहले ही प्लान कर लिया कि 7 o'clock तक हम ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेंगे एंड देन फिर निकलते हैं, क्योंकि इट इज़ अ ड्राइव ऑफ 4 आवर्स। और मतलब जो स्कॉटलैंड के बारे में मैं आपको जस्ट वन लाइन बोलना चाहूँगी कि इट्स फुल ऑफ रग्ड माउंटेन्स, डीप लॉच, रोलिंग हिल्स, वास्ट मूर्स, और इसमें कई मतलब आयल ऑफ स्काई है, ग्लेनको करके जगह है, लॉचनेस करके जगह है, तो ये सारे इनके टॉप हाइलाइटिंग डेस्टिनेशन हैं जहाँ लोग मतलब मेजरली जाते हैं विजिट करने के लिए। और तो आज मौसम थोड़ा ख़राब था तो हमने आउट ऑफ ऑल दिस प्लेस सोचा कि हम लॉचनेस और ग्लेनको को कवर करेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड इन दोनों प्लेसेस के लिए स्पेशली पॉपुलर है। तो आज के मैं वीडियो में थोड़ा कम बोलूंगी और आपको आप देखते जाओ कि क्यों स्कॉटलैंड आना चाहिए। आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा कि स्कॉटलैंड कितना ब्यूटीफुल है और क्यों प्लान करना चाहिए।
आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्कॉटलैंड किस किस चीजों के लिए फेमस है, क्योंकि मैं तो आप लोग को एक चीज बताने वाली हूँ. तो एनी गेस? तो चलो मैं आपको बताती हूँ. इट इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट वाटर, क्योंकि यहाँ का जो वाटर है काफी प्रीमियम है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एंड प्योर रहता है. तो इसी वजह से यहाँ पे सारे विस्की ब्रांड्स इस्टेब्लिश हुए, और उसकी वजह से सारी ढेर सारी डिस्लरी इस्टेब्लिश हुई, और उसमें से हम लोग एक डिस्लरी पे जा रहे हैं विजिट करने. तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं. So almost 200 years ago, and we are one of Scotland's oldest working distilleries, founded by a local gentleman known as Long John MacDonald, and he chose the site for one reason, and that's for a main water source. It comes straight off Ben Nevis. Now, all the barley is grown on the east coast of Scotland. It's too wet here on the west coast, so we buy in all the barley. It's pre-malted. We grind that down. We put it into some hot water, extract all the sugar. We then ferment that sugary water with yeast, create our first alcohol, which is a beer. That beer is roughly about 9% at that point. We then drain off the beer, and we distill it within one of the stills we have here on site, much larger than that. So we distill that to roughly about 75% alcohol, going from 9% beer to 75% spirit. We'll then run off that spirit and place it in one of the barrels, the casks that you see outside. So we either use bourbon, sherry or port. We mature that spirit in there for a minimum of 3 years. After that 3 year mark, you can then call it whiskey here in Scotland. Nice. That's a simplified version, but you can also read about it a little bit. Bye. Bye-bye. थोड़ा जल्दी ही निकल गए क्योंकि हमारी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है. तो आप आगे के लिए बने रहो और देखते रहो कि हम कैसे लंदन के लिए निकल रहे हैं. तो अभी हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं इजी जेट की, और मौसम भी थोड़ा खराब है तो, और काफी भीड़ मैंने देखा, काफी क्राउडेड है यहाँ पे. तो एवरीबडी इज गोइंग टू लंदन. जैसा कि आप देख रहे हैं कि चढ़ते हुए भी कितनी भीड़ है, लंबी लाइन इंडिया जैसी बिल्कुल लगी हुई है. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं स्कॉटलैंड में हूँ. और काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रहा, मतलब आई वुड से कि ये लंदन ट्रिप काफ़ी यादगार रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन, और काफ़ी मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था इन कंपैरिजन टू यूएस, क्योंकि काफ़ी साल रहते हुए यूएस में हो गया था 6-7 साल, तो मुझे बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लगा और बहुत ही अच्छा लगा. तो बस अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पायलट ने अनाउंस कर दिया है, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes. तो फाइनली हम लंदन स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो होटल है वो हेथ्रो एयरपोर्ट के पास लोकेटेड है. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग ने ट्रेन बोर्ड करते हैं, कितनी पर प्राइस हमारी टिकट्स पड़ती है, ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में आए तो दे कैन बोर्ड डू द सिमिलर प्रोसेस. तो अभी यहाँ से हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया है, और हम दोनों की टिकट पड़ी 60 pounds इन टोटल, सो 30 pounds ईच, और हमारे यहाँ से ड्राइव 1.5 hour की है तो हमारे एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए. Like and comment our channel if you like our content, and stay tuned for the future upcoming US videos.